हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम चिकन तंदूरी की रेसिपी बनाएंगे। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन तंदूरी की रेसिपी बनाने के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। फुल चिकन लेग, लेग एंड थाई के साथ 5 अदद। इसके अंदर जो स्पाइस जाएंगे वो भी नोट कर लें। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ जीरा या क्यूमन सीड्स 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, क्रश रेड चिली 1 टेबल स्पून, टर्मरिक या हल्दी 1/2 टीस्पून, साल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, बेसन या चिकपीस फ्लावर 2 टीस्पून, चाट मसाला या आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, काला नमक या ब्लैक साल्ट 1/2 टीस्पून। आप फूड कलर कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कलर के इस्तेमाल किए हैं, येलो और रेड 1/4 टीस्पून। इसके साथ साथ 1 अदद लाइम या लेमन जूस चाहिए होगा, 1/4 कप योगर्ट या दही, 2 टीस्पून जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, बटर, घी या फिर आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। आइए हम चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हमें चिकन को कट लगाने हैं, डीप कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह रच बस जाए। चिकन को डीप कट लगा लेते हैं इस तरह। दोनों साइड से डीप कट लगाएं। अब चिकन रोस्ट के लिए हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। दही डाल दें, जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल दें, बटर डाल दें, लाइम स्क्वीज करके डाल दें, सारे स्पाइस डाल दें। अब अच्छी तरह मिक्स कर दें। बेसन ने काफी हद तक इसकी डमी या फिर लिक्विड जजक कर लिया है। इसी तरह हमें थिक फॉर्म में चाहिए होगा। अब चिकन लेग लेके अच्छी तरह कोटिंग कर दें। आप हाथों के साथ भी लगा सकते हैं। हाथों के साथ आप लगाने लगे तो ग्लव्स चढ़ा लें, क्योंकि ये काफी स्पाइसी है। आप चिकन की कोटिंग करने से पहले इसके अंदर साल्ट और जो स्पाइस है वो चेक कर सकते हैं। चिकन पर अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए आप इसी तरह इसको छोड़ दें। इसके बाद आप अपनी पसंद से अगर चाहें तो फ्राई पैन के ऊपर घी डालकर या फिर ग्रिल के ऊपर
या अवन के अंदर इसको बेक कर सकते हैं। मैं इसको अवन के अंदर बेक करूंगी। अभी मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी। चिकन को हम बेकिंग ट्रे पे निकाल लेते हैं। बेकिंग ट्रे पर फॉइल लगाकर इसके ऊपर ग्रिल रख दें। अगर आपके पास ग्रिल ना हो तो आप ब्रेड भी चिकन को बेकिंग ट्रे के ऊपर रख सकते हैं। चिकन को ट्रे पे डाल दें, बचने वाला जो मसाला है वो ऊपर लगा दें। ये काफी स्पाइसी बनती है। अगर आप स्पाइस कम पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस को एडजस्ट कर सकते हैं। चिकन तंदूरी को अवन में रखने का प्रोसीजर नोट कर लें। 350 डिग्री पर अवन को प्री हीट कर लें और इसको मिडल वाली रैक पर हाफ आवर के लिए छोड़ दें। 15 मिनट एक साइड से और 15 मिनट इसको दूसरी साइड से हमने बेक करना है। इसके बाद 10 मिनट के लिए फॉइल लगाकर अवन को ब्रॉयल पर रखकर हमने इसको बेक करना है। इसके बाद 5 मिनट के लिए फॉइल उतार कर हमने ब्रॉयल करना है। टोटल 45 मिनट हमने इसको बेक करना है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन को मिडल वाली रैक पर हाफ आवर के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। अब दोबारा से 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। हाफ आवर के बाद अवन से निकाल लिया है। अब इसको दोबारा से फ्लिप कर दें। फ्लिप करने के बाद इसके ऊपर फॉइल लगा दें। और अवन को ब्रॉयल पे रख के इसको मिडल वाले रैक पे हमें रख देना है। इस तरह करने से चिकन प्रॉपर तौर पर अंदर से कुक हो जाएगा। इसके बाद हमने फॉइल उतार कर 5 मिनट के लिए इसको ब्रॉयल पे रखना है। 10 मिनट के बाद इसके ऊपर से फॉइल उतार देंगे और दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए अवन के अंदर ब्रॉयल कर लेंगे। इसके बाद चिकन तंदूरी तैयार हो जाएगा। चिकन को अवन से निकाल लिया है। इसको आप अपनी पसंद की चटनियों के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह की अच्छी रेसिपीज देखने के लिए फराज कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।